गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। बच्चों, ये आपका व्याकरण का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाया था, उसी के आज प्रश्नोत्तर आपको लिखवाने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक, तो उत्तर में आपके आएगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इट मीन्स ध्वनि को जब हम चिन्हों के रूप में लिखते हैं तो उसे ही हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट लिख लिया होगा आपने ये, ठीक है, समझ गए ना। प्रश्न नंबर, हाँ तो बच्चों आपने अपनी कॉपियाँ तो निकाल ही ली होंगी, ठीक है। तो जो मैं प्रश्न आपको समझा रही हूँ वह अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उनके नाम क्या हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न नंबर 3, स्वर और व्यंजनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मीन्स इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो उत्तर देखिए इसका क्या होगा, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मीन्स बोलते समय, वायु मीन्स हवा, फेफड़ों मीन्स हमारे फेफड़ों से निकल कर कंठ में, इट मीन्स गले में बिना रुके मुख से बाहर आ जाती, यानी गले में बिना रुके बाहर आ जाती है मुंह से हमारे। जबकि व्यंजन में क्या होता है, ये तो स्वर था, व्यंजन में वे सभी वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुंह में ही रुककर बाहर आती है। हो गया बच्चों। अब देखिए आपका प्रश्न 4 आता है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लिखिए, कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए अल्प प्राण, लिख लिया बच्चों आपने अल्प प्राण, ठीक है। अब समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम और कमजोर होकर बाहर आती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। लिखो बच्चों, अच्छा ये कौन कौन से होते हैं, देखिए का गा अणा चा अणा टा डा, ठीक है, अणा ता दा ना पा बा मा, तथा आपका यारा लावा, यारा मीन्स अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब देखिए सेकंड आता है आपका महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक तेजी के साथ, गति के साथ निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, ख घ छ झ ठ द थ ध फ भ श, स और ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन।
जल्दी जल्दी बोलो। अभी आपका पांचवा क्वेश्चन है, व्यंजन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपकी स्वर और व्यंजन का अंतर करते समय समझाया था, वही चीज है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों में से निकलने वाली हवा मुख से रुककर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें आप लिख लीजिए। अब आपकी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल मैं समझाए दे रही हूँ कि कैसे अलग अलग करते हैं। जैसे आपका विद्यालय है, ठीक है, वह पर छोटी की मात्रा लगी हुई है ना, तो वह को हम प्लस ई हो जाएगा। दे किससे मिलकर बना है, क्योंकि हलंत लगा है नीचे दे के, इसलिए हम किसी भी स्वर को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यह आया, यह पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, इसलिए हम क्या करेंगे, यह प्लस आ। ले के साथ कोई नहीं लगा हुआ है, ले केवल अकेला, इसलिए हम क्या उसके साथ ए जोड़ते हैं। इसी तरह यह के साथ ए जोड़ते हैं। तो जो भी आपके स्वर होते हैं उनको हम व्यंजन से अलग कर देते हैं, तो वही वर्ण जो है क्या कहलाते हैं, शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे मैंने बताया ऐसी इसको करेंगे अपनी पुस्तक में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, ऐसे तीन शब्द बताओ जिनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ हो। जैसे आपका प्रातः काल है, तो ऐसे तीन शब्द बताओ जिनमें ऐसा ही विसर्ग लगता हो। तो आपका पुनः है, आता है, दुखी है, ये सब आपका आ गए इसके अंतर्गत, ठीक है। अब ये आपके ऊपर व्यंजन दिए हुए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इनमें से आपको केवल सर्च करना है, छांटना है। तो आपको खुद ही पता है कि ग्यारह ला किस में आते हैं, अंतस्त में आते हैं, श सा हा किस में आते हैं, उष्म में आते हैं। तो बाकी जितने बचते हैं जो किसी भी मुंह के भाग से टच करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन में रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैंने अभी आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझाया था, आप इनमें से देख करके उन्हें नीचे उतारेंगे, ठीक है। और जो ये मैंने अलग से आपको अल्पप्राण महाप्राण नीचे लिखे हैं, ये इस कॉलम में आ नहीं पा रहे थे ऊपर, इसलिए मैंने आपको नीचे लिख दिए। लेकिन ये सभी एक साथ लिखे जाने, अल्पप्राण में अल्पप्राण और महाप्राण में महाप्राण। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अगर कुछ रह गया हो आपका तो आप दोबारा वीडियो देखकर अपने वर्क को कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।